तो आज हम बात करने वाले हैं केनकेन स्कर्ट के बारे में। जो केनकेन स्कर्ट होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो स्कर्ट या फिर लहंगा या फिर आप कोई भी अनारकली सूट पहनते हैं उसको एक्स्ट्रा वॉल्यूम देगी या नहीं देगी, इसको कैसे पहनते हैं और केनकेन स्कर्ट को यूज़ करते समय आपको क्या क्या मिस्टेक है वो नहीं करनी है और कौन सी केनकेन स्कर्ट हमें बाय करनी चाहिए, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में केनकेन स्कर्ट होती क्या है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा ये जो लहंगा है मैं इसको लेकर क्यों यहाँ पर हाथ में लेकर रखी हुई हूँ, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो लहंगा है ये मेरा वेडिंग का लहंगा है, अराउंड 8 ईयर हो चुके हैं या 8 साल पुराना लहंगा है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने इसमें केनकेन नहीं लगवाई थी, तो उस टाइम इतना फैशन नहीं था केनकेन का और मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं था केनकेन का इतना कि इसमें लगवाने से एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा। तो बाद में मेरी शादी के बाद 3 साल बाद मेरी छोटी सिस्टर है उसकी शादी हुई थी तो मैंने इसमें केनकेन लगवाई थी। ये केनकेन कुछ इस टाइप की होती है और ये जो हमें टेलर लोग लगा के देते हैं तो ये अराउंड 600 में उसने मुझे लगा के दी थी। और इसके बाद मैंने अपना जो एंगेजमेंट वाला लहंगा उसमें भी इसी टाइप की केनकेन लगवाई थी, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 2 केनकेन लगवाने में 1200 रुपीज पे करने पड़े। तो अभी जो मैंने केनकेन स्कर्ट बाई की है वो अराउंड 800 या 900 की है, उसका जो प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है। इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो केनकेन मैंने लगवाई है बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये बहुत मोटी और बहुत हैवी है और उसके बाद अगर मैं इसके साथ चलती हूँ तो ये जो मेरा जो भी हील्स मैं अपनी वेयर करती हूँ या हील्स पहनती हूँ तो उसमें ये अटकती है, फंसती है और मुझे चलने में काफी अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैं आपके साथ दोनों केनकेन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो हम लोग बाहर से मार्केट से लगवाते हैं वो और जो मैंने अभी अमेजोन से ऑर्डर की है वो भी। तो ये मेन रीजन यही था इसको दिखाने का कि प्राइस में तो डिफरेंस है ही है क्योंकि ये जो मेरी केनकेन लग चुकी है इस लहंगे में तो इसको मैं रिमूव करके किसी और ड्रेस के साथ यूज नहीं कर सकती, एक ही लहंगे में लगी रहेगी। और वो मोस्टली आपके काफी सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता है, वो काफी ऐसे लटके लटके से लगते हैं, तो उनको वॉल्यूम देने के लिए ही मैंने केनकेन स्कर्ट ये बाय की है। तो मैं इसको ट्राई करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसका जो लुक है बिफोर और आफ्टर कैसा लगता है केनकेन स्कर्ट को पहनने के बाद और ये कंफर्टेबल है या नहीं है। मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आप अलग अलग ड्रेसेस में इस तरह से केनकेन लगवाएंगे जिनमें लगी भी नहीं होती है तो वो काफी कॉस्टली पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह की कोई भी केनकेन स्कर्ट बाय करते हैं तो वो आपकी मल्टीपर्पज रहेगी, आपका कोई भी अनारकली सूट है या फिर कोई लॉन्ग ड्रेस है उसके नीचे भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, आपका कोई लहंगा या फिर आपकी कोई लॉन्ग स्कर्ट है तो उसके नीचे भी आप वेयर कर सकते हैं इसको, तो आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो ड्रेस में वो मिल जाएगा और बिल्कुल उसका जो लुक है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पहनने के बाद ये कैसी लगेगी। इस केनकेन स्कर्ट का एक पॉइंट और है जो मेरे से मिस हो गया था, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की तो अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसमें जो हुप लगा होता है एक वो पूरी फुल ओपन हो चुकी थी और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्लोज करके कैसे रखूं क्योंकि जब मैंने पार्सल मंगाया था तो इतना छोटा सा पार्सल था तो मुझे लगा कि ये तो इसको कैरी करना बहुत ही इजी है, फिर जब मैंने इसको ओपन कर लिया तो मुझे इसको फोल्ड करना नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक वीडियो देखा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी इस वीडियो में कि इसको फोल्ड करना कैसे है, जिससे कि अगर आपके आप ओपन कर लेते हैं और आपको भी मेरी तरह प्रॉब्लम आ रही है इसको फोल्ड करने में तो मैं एंड में आपको इसको फोल्ड करके भी बताऊंगी कि ये कैसे फोल्ड करके वापस इसको आप अपने किसी भी छोटे से पॉली बैग में रख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पिक्चर्स आप अभी देख रहे हैं ये मेरे पुराने साइड रिपिंग के वीडियो के पिक्चर्स हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और कुछ मेरे अनबॉक्सिंग के वीडियो भी हैं जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ करने जा रही हूँ इस केनकेन स्कर्ट की अनबॉक्सिंग, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे यहाँ पर मिली है और अगर आप इस केनकेन स्कर्ट को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग से काफ़ी इंप्रेस हुई क्योंकि इसकी पैकेजिंग काफ़ी स्मॉल थी और इसको कहीं भी कैरी करके लेके जाना बहुत ही ईजी है। उसके बाद इस केनकेन स्कर्ट में मुझे यहाँ पर 3 लेयर देखने के लिए मिली है, एक जो मैं अभी ओपन कर रही हूँ ये हुप वाली लेयर है और इसका जो फैब्रिक है ये है सिल्की जो सैटन फैब्रिक होता है उसी फैब्रिक में है, लाइक काफ़ी जो पॉलिस्टर वाला कपड़ा होता है उसी में है। और 2 लेयर हमें नेट की मिलती हैं इसमें, एक नेट की लेयर है जो अंदर वाली है और एक सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें हमें ऊपर थोड़ी सी लेस भी लगाई हुई है वाइट रंग की इन्होंने, तो इस तरह का कुछ लुक है इसका। अभी जो मैंने यहाँ पर कुर्ती आपको वियर करके दिखाई है विदाउट केनकेन स्कर्ट है,
तो उसके बाद का जो इसका लुक देखते हैं। यहाँ पर मैंने केनकेन स्कर्ट को पहन लिया है, बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपका जो भी कुर्ती या लहंगा हो उसका अंदर का जो इनर है वो भी काफ़ी घेर वाला होना चाहिए। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी पिक्चर है, इस कुर्ती का बिफोर और आफ्टर का लुक आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। तब तक तो मैं इस केनकेन स्कर्ट के साथ काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और इसको पहनना काफ़ी कम्फर्टेबल है और चलने में भी काफ़ी अच्छी है। कहते हैं इसका जो ऊपर का जो कपड़ा है वो लाइलॉन का है और ये इलास्टिक फैब्रिक में है और इसका जो वेस्ट साइज़ है 34 सेंटीमीटर है और अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं हम, लेंथ है इसकी 90 सेंटीमीटर की। यहाँ पर स्कर्ट का जो वेट है वो 280 ग्राम का है, काफ़ी लाइट वेट में है और जो लेयर्स हैं वो इसमें 2 लेयर मिलती है नेट की हमें, एक जो ऊपर की लेयर है और एक ये सेकेंड लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है वो नायलॉन की है और ये एक सिल्की सा फैब्रिक है और अंदर इसमें हूप लगा हुआ है और ये हूप आई थिंक मुझे मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ किस फैब्रिक का है, बट काफ़ी कंफर्टेबल हुप है ये और इसको यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का हुप है। काफ़ी प्लास्टिक का या फिर किसी चीज़ का है ये, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ किस चीज़ का बना हुआ है ये हुप, बट काफ़ी कंफर्टेबल है ये हुप। तो जब मैंने इस स्कर्ट को ऑर्डर किया था जो कि मैंने किया था फ्री साइज़ में ऑर्डर, अगर ये फ्री साइज़ है तो फ्री साइज़ होने के बाद जो इसका ऊपर का जो वेस्ट साइज़ है वो काफ़ी कम है। अगर कोई हेल्दी पर्सन इसको ऑर्डर करेगा तो जो ऊपर का वेस्ट साइज़ है वो आपको नहीं आएगा, उसमें आपको कपड़ा लगा के थोड़ा सा ठीक कराना पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको सेकंड टाइम ट्राई करके क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे माइंड में एक डाउट और था, क्या ये हैवी लहंगे पर वर्क करेगी अगर हम कोई हैवी लहंगा पहनते हैं, थोड़ा सा हैवी लहंगा है, तो मैंने इस पर इसको ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने इस स्कर्ट को वेयर कर लिया, अब इस लहंगे को वेयर करूँगी तो देखिए हैवी लहंगे के ऊपर भी ये स्कर्ट वर्क करेगी, यानी कि जो इसका हुप वाला एरिया है वो हैवी लहंगे को भी अच्छे से होल्ड कर सकता है और आपको चलने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, आपका वो हैवी लहंगा है वो आपको हैवी फील नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हुप वाली इस केनकेन स्कर्ट को ही बाय करें, विदाउट हुप वाली जो केनकेन स्कर्ट आती है वो आपके हैवी लहंगे के वेट को होल्ड नहीं कर पाएगी। अगर आप हर ड्रेस में अलग से केनकेन लगवाएंगे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था उसका चार्जेस क्या है। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसको क्लोज कैसे करना है। तो देखिए आपको बस एक साइड से पकड़ना है और फोल्ड करना है और ये ईजिली फोल्ड हो जाएगी। एक बार अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, बस एक बार आपको इस ट्रिक को देखना है और आसानी से आप इस स्कर्ट को फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड गर्ल हैं तो आपको इस स्कर्ट को ज़रूर बाय करना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस स्कर्ट को बाय करना, फाइनली मैंने इस स्कर्ट को ले लिया और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इसको बाय करके। अगर आप अपनी स्कर्ट या लहंगे में एक्स्ट्रा वॉल्यूम और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहते हैं तो इस तरह की 3 हुप वाली स्कर्ट भी आती है, बट उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हुप वाली स्कर्ट भी आती है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो आई थिंक केनकेन स्कर्ट को लेकर आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर उसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।